दिया, सी को मैंने मेथड के अंदर पास कर दिया एज अ आर्गुमेंट, ये पहले से हम करते आ रहे हैं। अब सी का टाइप क्या है? चाइल्ड, तो मुझे इसको चाइल्ड टाइप की वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। हमने लिख दिया चाइल्ड सी वन, और यहां पे अगर मैं लिखता हूं सी वन डॉट एक्स, तो बताओ सी वन का टाइप चाइल्ड है, तो ये दोनों में आउटपुट क्या आएगा? 20, 20 ही आएगा, यहां भी 20, यहां पे भी 20, ठीक है। अगर मैं इस सी को जब यहां पास कर रहा हूं, तो यहां पे जो टाइप है चाइल्ड न करके यहां पे देता हूं क्या बेस, और बेस लिख दिया आप सी वन डॉट बी लिखूंगा, सी वन डॉट एक्स लिखूंगा, तो ये बेस सी वन का टाइप हो गया बेस, और आपने ये करा क्या, आप कास्टिंग कर दिया, आपने अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बेस में होल्ड करा लिया, तो ये बेस वाले डब्बे से डेटा लेके आएगा, दैट इज अ 10। बताइए समझ में आ रहा है? आपने एक बार पास करा बेस का डेटा आ गया, अब एक काम कर दोबारा पास कर दो, फिर से सी पास कर दो, और एक बार इसको सी वन वेरिएबल में रिसीव कर लिया, और यहां पे सी वन लिख देता हूं मैं, और फिर एक बार यहां पे लिख दिया दादाजी, और यहां लिख दिया डी, और फिर यहां सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप लिख दिया डी डॉट एक्स, तो यहां पे जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 100, यहां पे जो आउटपुट होगा होगा 10, और यहां पे जो आउटपुट होगा वो होगा 20। तो समझ में आ रहा है? बस इसका रेफरेंस यहां चेंज करना है। अब इसका भी ऊपर पेरेंट होता है ना, तो आप उसको यहां पास करके उसके रेफरेंस में होल्ड करके ये दूसरा डेटा भी प्रिंट करा सकते थे। तो आपने देखा हमने करा क्या, बिना सुपर के हमने अपने डेटा को एज अ रेफरेंस यहां पास करा के फिर इसे होल्ड करा के यहां यूज कर लिया, बिना हमने सुपर कीवर्ड के पेरेंट क्लास के डेटा को प्रिंट करा दिया। अब ये जो कंसेप्ट हमने करा बिना सुपर कीवर्ड का यूज करे पेरेंट का डेटा को प्रिंट कराने के लिए, इसके लिए हमने अपकास्टिंग करी। तो ये अपकास्टिंग का कंसेप्ट जो पेरेंट के डेटा को प्रिंट करके ला रहा है, इसका मतलब ये पेरेंट का रेफरेंस अगर होता है तो हमारा काम बन जाता है। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, सुपर के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो पेरेंट का डेटा प्रिंट करके लाता है? तो सुपर के पास अपने पेरेंट क्लास का रेफरेंस होता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास का रेफरेंस होता है। जैसे दिस के पास किसका रेफरेंस होता है? करंट क्लास का रेफरेंस होता है। तो सुपर के पास किसका रेफरेंस होता है? इमीडिएट पेरेंट क्लास का। लेकिन ध्यान से मेरी बात समझना, रेफरेंस होता है, रेफरेंस का टाइप पेरेंट होता है, ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का ही है। ऑब्जेक्ट का टाइप, तो देखो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है, टाइप से मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का टाइप यहां चाइल्ड है, तो ये जो सी नाम का डेटा है ये चाइल्ड को रेफर करेगा, चाइल्ड के डब्बे से डेटा लेके आएगा। अगर आपने इसका टाइप बदल दिया दादाजी या बेग या कुछ और, तो उसके डेटा उस पर्टिकुलर डब्बे से लेके आएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं डी डॉट एक्स और एक्स यहां हो ही नहीं, सपोज करो यहां एक्स हो ही नहीं, विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी रेफरेंस पे डेटा चलाते हो, तो क्या वो डेटा या क्या वो मेथड उस पर्टिकुलर जगह पे पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। अगर पड़ा है तो तभी कॉल होगा। So, ये बिना सुपर से भी हमने कर लिया, सुपर तो पेरेंट को रेफर कर रहा था, हमने पेरेंट के भी पेरेंट को रेफर कर लिया। सुपर के पास पेरेंट का रेफरेंस होता है, हमने एक रेफरेंस को एक बार इसमें होल्ड कराया, एक बार इसमें होल्ड कराया, और पेरेंट से भी पेरेंट वाले डेटा को लेके आ गए, तो हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। रिटेंस के केस में जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, पेरेंट के सारे डेटा को मेमोरी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है, और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर सेक्शन बन जाता है। और होता क्या है कि जब हम अपकास्टिंग करते हैं यहां पे, जिस टाइप पे अपना रेफरेंस चेंज कर लेते हैं, वो डेटा हमारा यहाँ पे कॉल होके आ जाता है, प्रिंट होके आ जाता है। अब पूछे किसी को कुछ पूछना है। सर हम उल्टा कर सकते हैं, जैसे लिख दे चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू बेस? नहीं कर सकते, डाउन कास्टिंग जो होती है ना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आपने लिख दिया न्यू बेस इज इक्वल टू चाइल्ड सी एरर, कंपाइल टाइम एरर, ऐसा नहीं हो सकता। चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट बेस में होल्ड कराए जा सकते हैं, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बेस में होल्ड कराए जा सकते हैं, बट बेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट चाइल्ड में होल्ड नहीं कराया जा सकता। हाँ,
आपने अगर चाइल्ड को बेस में कन्वर्ट कर रखा है तो फिर बेस को चाइल्ड में डाउनकास्ट कर सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि विदाउट अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट डाउनकास्टिंग नहीं कर सकते। और पूछे सर, अगर मैंने एक्सटेंड नहीं किया बेस क्लास को और मैं अपकास्टिंग कर रहा हूँ तो डेटा आएगा? नहीं, अगर आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लास हो गया ए और ये क्लास हो गया बी, यहां पे मैंने कोड क्या लिखा देखिएगा जरा आप, मैंने लिखा न्यू बी इक्वल्स टू ए। हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अपकास्टिंग हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट में होती है, ना कि कोई रिलेशन नहीं होता है तो हो जाती है। अगर ये बी क्लास एक्सटेंड करेगा ए क्लास को तभी ये वैलिड होगा, तब चलेगा, तब ये कोड चला सकते हैं आप। तो एक्सटेंड होना जरूरी है। और बताइए सर, जब हमारे पास अपकास्टिंग था तो सुपर कीवर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं? अपकास्टिंग ये जो रेफरेंस यहां से आप पास कर रहे हो, यहां होल्ड कर रहे हो, ये कोई अच्छी चीज है? ये तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कि आप अपना रेफरेंस यहां पास करो, फिर होल्ड कर रहे हो और फिर कॉल कर रहे हो। कितने को समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, यहां से जादू हो रहा है। सुपर लिखना इजी होता है, सिंपल होता है। भाई करंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो आपके रेफरेंस में भी होता है, दिस बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब भी आपको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो आप दिस यूज करो, दिस कॉल करो। उसी तरह से जब अपने पेरेंट को, अपने पिताजी को जब आप याद करें तो सुपर को याद करिए, अपने पिताजी का रेफरेंस चाहिए तो सुपर को याद करो, के पास आ जाएगा वो। पिताजी इन द सेंस क्लास की बात हो रही है, पापा की बात नहीं हो रही। सुपर जहां मर्जी वहां लिखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि सुपर वाइड शो में लिखोगे? आपका मेथड हो सकता है वाइड एमएसजी, वाइड डिस्प्ले, सुपर कहीं पे भी लिखो, कंस्ट्रक्टर में भी लिखो सुपर। बहुत सारे यूजेज हैं सुपर के, अभी तो बस एक यूज मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा हाइडिंग के केस। और बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि अगर मैं यहां से ये रेफरेंस ना पास करूं, यहां से रेफरेंस पास ना करूं मैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका रेफरेंस तो ऑलरेडी यहां पे होता है जिसके फॉर्म में, तो अगर दिस को टाइपकास्ट कर दें हम तभी तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए दिस को टाइपकास्ट करके प्रोग्राम में कैसे आउटपुट चाहिए मैं आपको बताता हूं। दिस को टाइपकास्ट कैसे करा जा सकता है, ये पैरेंथेसिस में यहां लगा देता हूं। देखिए यहां पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर यहां पे मैंने लिखा दिस, क्या लगाया दिस। दिस अगर हम दिस लिखेंगे तो दिस का मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, बट दिस के आगे हम यहां पे ऐसे टाइप कास्टिंग का सिंबल लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे कर दिया, ऐसे लिख दिया बेस और फिर यहां लिख दिया दिस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस में होता है करंट ऑब्जेक्ट और दिस कन्वर्ट हो गया बेस में, तो दिस कास्ट हो गया बेस में। अब बात समझ में आ गई? और फिर यहां से यहां तक का जो डेटा होगा ये हो गया किस टाइप का, ये यहां से यहां तक का डेटा किस टाइप का हो गया, बेस टाइप का हो गया। इस पे डॉट एक्स लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, डेटा। तो पहले हमने दिस को बेस में कन्वर्ट कर लिया, फिर टोटल के ऊपर डॉट एक्स लगा के, और ये पूरा इधर से बन, तो एक दो तीन यहां से ओपनिंग होगी और एक दो तीन यहां से क्लोजिंग होगी। और अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहां पे ऐसे ही तीन पैरेंथेसिस लगा के यहां पे लिख देते हैं दादाजी, और फिर उसके बाद यहां लिख देते हैं दिस, और फिर उस पे डॉट एक्स, तो यहां पे कौन सा डेटा प्रिंट हो जाएगा, दादाजी का। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहां पे क्या लगा देता हूं, एक्स, तो यहां पे किसका प्रिंट हो जाएगा, टेन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप अब कास्टिंग करोगे, रेफरेंस पास करोगे, तो उससे अच्छा है टाइप कास्टिंग भी कर लो ना, जिसका तो दूसरा अप्रोच हो गया टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग से भी पेरेंट का डेटा प्रिंट कराया जा सकता है। यहां पे मान लीजिए क्लास हमने क्रिएट कर लिया सेम बेस नाम से ही, ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया, और फिर मैंने यहां पे प्रिंट एक्स इक्वल्स टू यहां पे लिख दिया टेन, और फिर यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया हमने चाइल्ड नाम से,
और चाइल्ड ने यहां पे एक्सटेंड कर दिया बेस क्लास को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग। ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे वॉइड शो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया एक्स को, यहाँ से हमने प्रिंट कर कॉल करा दिया सी डॉट शो डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर दिया हमने, सीएमडी चला दिया हमने, डेस्कटॉप पे चले गए, जावा सी चाइल्ड डॉट जावा जावा चाइल्ड कैन प्रिंट होके आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे सेम नाम से डेटा यहाँ रख देता हूँ एक्स इक्वल्स टू 20 दे देता हूँ यहाँ पे 20, तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 को प्रेफरेंस मिला। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया दो बार लिख दिया तो अलग अलग आएगा, आप जितना मर्जी उतना बार लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, और अगर आप पेरेंट वाले डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सुपर डॉट एक्स लगा के डेटा प्रिंट करा सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए बेस का भी यहाँ पे बेस हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ठीक है दादाजी ले लिया, और यहाँ पे डेटा एक्स 100 दे दिया, और इस वेरिएबल को एक्सटेंड करा दिया हमने यहाँ पे, एक्सटेंड करा दिया दादाजी को। अब यहाँ पे सुपर जो है ये आपके केवल और केवल आप एक बार सुपर लिखोगे तो एक ही सुपर बार बार आपके पेरेंट वाले डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है, यानी कि 10। तो आपने कहा सुपर फिर डॉट फिर सुपर लगाऊंगा, तो ये चीज़ वैलिड नहीं, नॉट ए स्टेटमेंट। तो एक ही बार आप सुपर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सुपर में ऐसा क्या है कि अच्छा, आप सुपर को अगर आप किसी मेन मेथड यानी कि स्टैटिक कंटेक्स्ट में आप यूज करोगे, कहीं पे भी देखो आप सुपर लगा रहे हो, तो यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, नॉट ए स्टेटमेंट। मान लीजिए सुपर डॉट एक्स लिखता हूँ मैं, देखिए कहेगा कि सुपर इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल बट दिस कैन नॉट बी रेफर इन टू द स्टैटिक कंटेक्स्ट लाइक दिस। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये पेरेंट वाला से भी पेरेंट वाले का डेटा प्रिंट कैसे होके आए, तो इस सी को मैंने एक बार यहाँ पे मेथड में पास किया, फिर दोबारा पास कर दिया, और फिर एक बार मैंने इसको बेस बी वेरिएबल में और एक बार दादाजी डी वेरिएबल में रिसीव कर लिया। यहाँ पे लिख दिया हमने बी डॉट एक्स और यहाँ पे लिख दिया डी डॉट एक्स, तो हमारा प्रोग्राम का यहाँ पे आउटपुट आ गया। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं आपको यहाँ पे ये अपकास्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका डेटा प्रिंट होके आ जाए, फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हटा देना होगा, ये हटा देता हूँ मैं, और ये लाइन यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, इस अप्रोच को मैं कमेंट कर देता हूँ, और एक नया अप्रोच आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वो अप्रोच होगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट, तो दिस को लिखूंगा तो वो करंट को रेफर करेगा, बस यहाँ टाइप कास्टिंग के थ्रू मैं लिखूंगा बेस और फिर डॉट यहाँ पे टोटल के ऊपर डॉट एक्स लगा के, यानी कि ये आ जाएगा हमारे बेस का डेटा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा दादाजी, ठीक है, तो दादाजी का डेटा आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जब एक्स को प्रिंट करूंगा तो सेम क्लास का डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सो इसमें कोई दिक्कत किसी को? अरे सुपर का ड्रॉबैक नहीं है कि ये ओनली पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता है? ड्रॉबैक ये बिल्कुल है, ड्रॉबैक नहीं हो रहा है तो ड्रॉबैक ही है, अंडरस्टूड है।